नमस्कार दोस्तों, आज मैं भगवान गणेश के लिए लड्डू बना रही हूँ। बेसन के लड्डू कोई से भी बनाइए, चाहे आटे के बनाइए चाहे बेसन के बनाइए, घी बिल्कुल बराबर का पड़ता है। 50 ग्राम का तो मैं कहती नहीं कि ऊपर नीचे कर लीजिए, और ऐसे ही उसमें जो बूरा या चीनी पीस के डालिए वो भी बराबर की पड़ती है। बराबर में ज़रा सा तेज़ हो जाता है तो आप 50 ग्राम कम कर सकते हैं। मैं ये आधा किलो बेसन के लड्डू बना रही हूँ। मैंने अभी इसमें 400 ग्राम के करीब घी डाला है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा घी और डालूँगी, और इतने में काम चल सकता है। बहने नहीं चाहिए, जाड़ों में तो क्या होता है थोड़ा सख्त हो जाते हैं, गर्मियों में घी जिसमें भी डलता है वो बहुत जल्दी से बह जाते हैं। तो इसमें मैं खरबूजे की बीज और थोड़े काजू पीस के और इलायची पाउडर डालूँगी। बहुत ज़्यादा मेवा नहीं अच्छी लगती बेसन के लड्डुओं में। बेसन के लड्डू में खरबूजे के बीज अच्छे लगते हैं, और ये सब किशमिश वगैरह कुछ नहीं अच्छी लगती। बादाम काजू आप पीस के डालना चाहें तो डल जाएंगे। बस अब ये अच्छे से भुनना है, खूब अच्छी खुशबू आएगी। अभी तो शुरू ही किया है मैंने, अभी बेसन भून रहा है, पूरी अच्छी तरह से नहीं भुना है। जैसे ये ढीला हो गया, कम से कम इतना घी चाहिए ही चाहिए। और ये थोड़ी सी मेवा है, इसमें काजू और बादाम में थोड़ा मिक्स ग्राइंडर कर लूँगी। और ये मैंने बूरा छान के लिया है। बूरा हमेशा छान लीजिए, क्योंकि कई बार बूरे में काफ़ी गांठें होती हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए बूरा छान लीजिए। जितना भी लेना है आपको, ऐसे बराबर का पड़ता है, 50 ग्राम आप कम कर सकते हैं। और ये खरबूजे के बीज में अभी ज़रा सा ये बेसन भून जाएगा, तब मैं इसी में नीचे दबा दूँगी तो ये तड़क जाएंगे। अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालूंगी और ये दोनों बादाम और काजू ग्राइंड करूंगी। मेरा बेसन भुन चुका है, अब मैं इसमें ये खरबूजे के बीज डाल रही हूँ और चारों तरफ से बेसन इसके ऊपर कर दूंगी। और ये काजू और बादाम भी मैंने बारीक पीस लिए हैं, और ये सब इसमें आराम से भुन जाएगा और फिर ठंडा करके बूरा मिलेगा, तब गणपति जी के लिए लड्डू बनाएंगे। ये मोदक का सिस्टम थोड़ा दक्षिण भारत में ज़्यादा है, हमारे उत्तर भारत में तो हमेशा से हमने लड्डू ही बनाए हैं। बेसन मेरा भून चुका है और मैंने इसकी गैस बंद कर दी है। थोड़ा तेज इसलिए भूनते हैं कि जैसे ही हम इसमें बूरा मिलाएंगे तो ये फिर सफ़ेदीपन आ जाएगा। खरबूजे के बीज भी चटक गए, बस अभी ठंडा होने पे ही इसमें बूरा लगेगा। गैस बंद कर दी मैंने। बेसन ना ठंडा हो चुका है, बिल्कुल नहीं ठंडा किया है लेकिन ऐसा काफी ठंडा हो गया है। इसमें अब मैं ये बूरा डाल दूंगी, बस मिला के, और मैं इसके लड्डू बना दूंगी। गणपति जी के लिए भोग के लिए लड्डू तैयार होंगे। बूरा और बेसन आराम से ऐसे मैश कर लिया, बस बहुत ही अच्छी तरीके से। अब ये देखिए, मतलब घी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, बांधना आसान हो जाएगा। जरा भी घी कम हो तो मुश्किल से बांधते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बांधने में, इसलिए घी का प्रपोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, घी का अनुपात ज़रूर ध्यान रखें। ये लड्डू बन रहे हैं मेरे, ये देखिए अच्छे से भुन चुका है बेसन। लड्डू बन के तैयार हो गए गनु बाबा के लिए, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लड्डू बन के तैयार हो गए। अब ये पप्पा के लिए मंदिर में जाएंगे। आपको अच्छे लगे हों मेरे स्टाइल से तो आप भी बना के देंगे। पप्पा के लिए आज का भोग बेसन के लड्डू। मैं तो इन्हें लड्डू ही कहती हूँ, मैं मोदक नहीं कहती। कल देखती हूँ मैं दूसरे तरीके से कौन से बनाती हूँ। आज का प्रसाद